हेलो स्टूडेंट्स, इट्स लेट, गुड नाइट। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि अगला टॉपिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम लोगों ने रिवाइज करने के लिए एक वीडियो लेक्चर का बनाने का प्लान किया था। आज हम फ्रिक्शन फोर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा क्लास में NLM पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड विदाउट दिस फ्रिक्शन फोर्स NLM कंप्लीट चैप्टर नहीं होगा। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स और इसकी डिफिनीशन से। होता क्या है फ्रिक्शन फोर्स? तो एक कॉमन सा बात, कॉमन सी एक कंसेप्ट, मिसकंसेप्ट के फॉर्म में रहती है कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को अपोज करता है, लेकिन ये एकदम गलत बात है। फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, कभी मोशन को अपोज नहीं करता है। कई केसेस में यह तो मोशन को सपोर्ट करता है। तो ये पहला कंसेप्ट ही होगा हमारा कि ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब ये रिलेटिव मोशन होगा कहाँ? तो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको ये अपोज करता है। जैसे एग्जांपल ले लें कि एक सरफेस अपना ये हो गया और दूसरा सरफेस इसके कॉन्टैक्ट में है। अब केवल ऊपर वाला सरफेस मूव कर रहा है और ये रेस्ट में है, तभी रिलेटिव तो मूवमेंट हुआ। यानी अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट सरफेस सेकंड के रेस्पेक्ट में आगे की ओर जा रहा है और सेकंड सरफेस फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पीछे की ओर जा रहा है, तो यानी इनके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। अब फ्रिक्शन इस रिलेटिव मोशन का, यानी आगे वाले अगर फर्स्ट सरफेस को देखें तो इस फर्स्ट सरफेस पे फ्रिक्शन, आगे जा रहा है इसका रिलेटिव तो बैक लगेगा F, ये फर्स्ट सरफेस की बात होगी। और सेकंड सरफेस पर ये चूंकि पीछे की ओर जा रहा है सेकंड सरफेस, तो इस पे फ्रिक्शन यहाँ सरफेस में लगेगा और ये किधर की ओर लगेगा? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, यानी इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी है, ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके दो व्यूज़ हैं। एक ओल्ड व्यू है कि जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हों, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दो वुडन ब्लॉक हैं, एक लार्ज ब्लॉक और एक स्मॉल ब्लॉक, ये आपस में कांटेक्ट में हैं। तो इसका अगर हम जूम करके व्यू देखें तो कुछ सरफेसेस इस तरीके से कांटेक्ट में होंगे और इनके बीच में एक कोल्ड वेल्डिंग टाइप की चीज़ हो गई कि इनके सरफेसेस जैक के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन इसी का मॉडर्न व्यू है कि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सरफेस के नियर बाई, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बंधे रहते हैं। यानी एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के निगेटिव के चार्ज के साथ कंबाइंड है, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन गई। जब हम इसको मूवमेंट देते हैं सरफेसेस को, तो इनके बॉन्ड ये ब्रेक होता है, जिस बॉन्ड के ब्रेक होने का अपोज किया जाता है और जनरेट होता है कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, या बॉडी फील करती है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली अपोजेस द रिलेटिव मोशन। एंड चूँकि ये दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ही है,
कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स का ही एक टाइप है, कुछ अलग सा नहीं, कांटेक्ट फोर्स के टाइप में है, ठीक है। तो ये कांटेक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शन के बारे में अगर हम देखें कि कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे लग रहा है, तो इसके लिए अलग अलग केसेस हम ले लेते हैं। जैसे अब एक ब्लॉक की बात करें, तो एक सरफेस पर, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक ब्लॉक प्लेस किया गया है। अदर फोर्सेस भी इस पे लगेंगे, जैसे आप देखेंगे ग्रेविटी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है फ्रिक्शन। अब अगर ये ब्लॉक एम मास का इस पे आगे की ओर मूव करना चाहिए रिलेटिवली, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो इसकी एफ बी डी बना लेते हैं। तो इसकी एफ बी डी बनाया जाए, केवल फ्रिक्शन फोर्स को ध्यान में रख के एफ बी डी बनाएंगे। तो ये आगे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन एफ पीछे की ओर लगेगा, अगर इसकी टेंडेंसी भी होगी तब भी पीछे की ओर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, यानी मोशन या मोशन की टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी को अपोज करने लगता है। तो अगर ये जैसे ही इस पर एक फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई हुआ, फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज किया, तो हॉरिजॉन्टल जस्ट इसका ये अगर एक्शन है, तो एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस, तो इस पर लगेगा। लेकिन ये हमारे सिस्टम का पार्ट हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम इस पर फ्रिक्शन केवल एम मास पे दिखा रहे हैं। इसी तरह यह मास अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया जाए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन रखें, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रख दिया जाए एम मास का। अभी तक इसके पहले एग्जांपल में हमने इसको स्मूथ लिया था, लेकिन अब ये होगा रफ। अगर रफ होगा तो इसको देखें, अगर इसके फोर्सेस, तो इसको एम जी साइन थीटा, जो एम जी का कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा, इसे नीचे ले जाने की टेंडेंसी रख रहा है। ले जा पा रहा है या नहीं पा रहा है ये बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन जो एम जी फोर्स लग रहा है इसी का यह कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट और था, ये एंगल थीटा, तो यह भी थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये तो बैलेंस हो गया। किसकी वजह से, नॉर्मल की वजह से। तो अब अगर सरफेस स्मूथ होता तो एम जी साइन थीटा से ये एक्सेलरेट हो जाता, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता, हो जाता एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम। लेकिन अब इसमें कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में लगेगा फ्रिक्शन एफ। अब इसकी अगर एफ बी डी हम बना लें, सारी फोर्सेस दिखाएंगे, तो एक लगेगा नीचे एम जी, एक लगेगा नॉर्मल, और इस एम जी के कंपोनेंट को बैलेंस करेगा एक तो नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन। ये रहा फ्रिक्शन, लग यहाँ सरफेस पे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदले इसी प्लेन में कहीं घुमा सकते हैं। तो ये हम ऊपर, और वैसे भी ये मास कैसा, पॉइंट मास, तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट केस। ऐसे मान लिया जाए कि एक अपने पास वॉल है, ये केस नंबर वन हुआ, केस टू और केस थ्री के लिए वॉल ले लेते हैं। ये एक वॉल है, वॉल को नॉर्मली आप टच करके देखें तो रफ ही वॉल होगी। इस पर एक हमने ब्लॉक को इस तरह रखा, अब रखेंगे तो स्लिप कर जाएगा, तो हमने एक फोर्स लगा दिया इस पर, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल। अब एफ एक्सटर्नल को तो काउंटर बैलेंस कर लिया जाएगा नॉर्मल रिएक्शन से, यानी जितना एफ बढ़ाएंगे एन बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है एम जी, अब इस एम जी को कौन बैलेंस करेगा, तो एम जी को बैलेंस करेगा कौन, फ्रिक्शन। तो अभी जितने भी एग्जांपल आपने देखे सब में फ्रिक्शन क्या लग रहा है, जिस भी सरफेस पे मूवमेंट हो रहा है उस सरफेस के अलोंग, यहाँ पर भी सरफेस के अलोंग, यहाँ पर भी सरफेस के अलोंग, यहाँ पर भी सरफेस के अलोंग। तो जितने भी पर्टिकुलर केसेस हैं अपने, इसमें फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के केसेस हम लोगों को तीनों अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे। अब देखा जाए कि ये फ्रिक्शन के अलग अलग कई टाइप होते हैं। जैसे फ्रिक्शन को अगर हम देखें एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझ लेते हैं, फिर यहाँ फ्रिक्शन के नाम हम दे देंगे।
यहाँ पर हमने देखा एक एग्जांपल लिया, एक ब्लॉक है, इस पे हमने फ्रिक्शन एक फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई किया, एफ एक्सटर्नल, बहुत छोटा सा फोर्स था बट बॉडी रेस्ट में है। हमने इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब हमने एफ एक्सटर्नल यानी यहाँ पर एफ एक्सटर्नल मान लो एफ वन था, यहाँ एफ टू लगा दिया, विच इज़ एफ टू इज़ ग्रेटर देन एफ वन, स्टिल बॉडी इज़ इन रेस्ट। यानी इन दो केसेस में बॉडी किस में है, बॉडी है रेस्ट में, मूव नहीं किया। एक सर्टेन केस में हमने अप्लाई किया एक फोर्स एफ थ्री अप्लाई कर दिया और बॉडी मोशन में आ गई, उस समय भी इस मोशन रिलेटिव मोशन का अपोज होगा। तो यहाँ क्या था, यहाँ जो भी फोर्स था, जो भी फ्रिक्शन फोर्स रहा होगा वो रेस्ट के केस में लग रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिक स्टेट, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर एक आ गया मोशन आ गया, तो इसको हम बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और एक डायनामिक। अच्छा, जब ये स्टैटिक से डायनामिक के केस में आया होगा यानी रेस्ट से मोशन में आया होगा, तो उस समय एक ऐसी स्टेट आई होगी, इस पे फोर्स एक लगा होगा एफ टू डैश मान लेते हैं, उस समय बॉडी जस्ट मूव करने ही वाली थी, मूव नहीं की, मूव करने ही वाली थी। यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी फ्रिक्शन, ये भी, यानी बॉडी मूव करने ही वाली थी। यानी हम यहाँ कहेंगे बॉडी इज अबाउट टू मूव बट मूव नहीं की। तो अबाउट टू मूव इज कॉल्ड लिमिटिंग कंडीशन। यानी बस बहुत हुआ, अब रिस्ट टूटेगा और हम आएंगे मोशन में। आपके साथ भी ये स्टेट है, एग्ज़ाम में नंबर आ रहे हैं, एक समय एक आएगा स्टेट कि बस अब गंदे नंबर नहीं आएंगे, अब तो अच्छे ही अच्छे आएंगे। दैट केस इज़ कॉल्ड लिमिटिंग। और जब ये स्थिति हम अचीव कर लेंगे हम, तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगने लगेगा और हम बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन, जिंदगी बल्ले बल्ले। तो ये एफ टू, तो ये लिमिटिंग कंडीशन है। तो लिमिटिंग कंडीशन का जो फ्रिक्शन होता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी का, ये स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम वैल्यू है तो कांस्टेंट होगी। यानी अभी तक हमने देखे तीन टाइप के फ्रिक्शन देखे, एक देखा जो बॉडी रुकी हुई है, इसको बोला स्टैटिक। एक बोला जिसमें बॉडी बस मूव करने ही वाली है, इसको बोला लिमिटिंग। और बॉडी जब मूव कर गई तो उसे बोला डायनामिक, या इसी का नाम है काइनेटिक। तो फ्रिक्शन हो गए कितने टाइप के, एक स्टैटिक, एक लिमिटिंग और तीसरा डायनामिक। तीन तरह के फ्रिक्शन हमें देखने हैं, ठीक है। तो स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक। अब अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ भी कुछ, जैसे ही अगर ये बॉडी मूव नहीं की तो इसका मतलब इस एफ एक्सटर्नल को किसी ने बैलेंस किया होगा, तो किसने बैलेंस किया होगा, स्टैटिक ने। तो एफ एक्सटर्नल अगर सपोज 10 न्यूटन है तो इस समय स्टैटिक भी 10 न्यूटन। अगर इस समय F2 की वैल्यू मान लेते हैं 12 न्यूटन है, बॉडी नहीं मूव किया, यानी फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू बढ़ाई, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट किया, कहाँ तक ले गया, 12 तक, यानी इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन 12 हो गया। यहाँ पर हमने बोला 15 के बाद जैसे ही 15.001 भी देते बॉडी मोशन में, थोड़ा वैल्यू देखने के लिए 16 मान लेंगे, तो 15 पे बॉडी इज अबाउट टू मूव, यानी कंडीशन इज लिमिटिंग। तो ये वैल्यू अब कांस्टेंट है, इसके बाद वैल्यू बढ़नी नहीं है, इसके बाद बॉडी मूव कर गई तो आ गया डायनेमिक फ्रिक्शन।
यानी लिमिटिंग कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट। इस काइनेटिक कैसा फ्रिक्शन, कांस्टेंट। बट स्टैटिक जो होता है ना वो वेरिएबल होता है, और किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमेशा एक्सटर्नल पर। इसकी एफ स्टैटिक की वैल्यू इक्वल टू होती है एफ एक्सटर्नल, जितना लगाएंगे उतना होगी लिमिटिंग। और इसके बारे में डिटेल में बात की जाती है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि क्या होगा वैल्यू। तो इन दो को और अच्छे से थोड़ा समझ लिया जाए, तो ये लिमिटिंग की बात करते हैं। पहला बात किया गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला ही पॉइंट हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। दूसरा, ये क्या होगी, अब मैक्सिमम वैल्यू तो कोई एक होती है, दैट मीन्स कोई कांस्टेंट होगा, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। इस पे नॉर्मल रिएक्शन पर, इसको हम बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, यानी एफ लिमिटिंग इक्वल टू लिखें तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ये बोला जाता है। तो एफ एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, ये कहलाता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन। एफ एल इक्वल टू म्यू एन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक का केस, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है तो इसे म्यू एस लिख देते हैं। स्टैटिक का हर दो सरफेसेस के लिए ये अलग, जैसे एक वुड पे स्टील रखें, स्टील सरफेस कॉन्टैक्ट में अलग होगा, वुड पे वुड रखें तो उसी सेम मास के लिए ये अलग होगा। यानी ये एन पर तो डिपेंड है, साथ में कॉन्स्टेंट अलग अलग सर्फेसेस के लिए अलग अलग होगा, ये कहलाता है लिमिटिंग। अब जैसे देखें, एक छोटा सा एग्जांपल जो हम पहले पढ़े हैं, ये नॉर्मल, और नॉर्मल किसके इक्वल, एम जी के इक्वल। तो इस समय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अगर इसकी मूवमेंट की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, और अगर मूवमेंट करने ही वाला है, किया नहीं, तो एफ एल की वैल्यू जो होगी वो म्यू इन टू एन या म्यू एम जी के बराबर होगी। ठीक है, आई थिंक गेटिंग दैट पॉइंट्स। अगली बात करें काइनेटिक की, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इसमें जब बॉडी मोशन में रहती है, यानी कोई भी सरफेस पे बॉडी मोशन में, इसके पहले अबाउट टू मूव, इसमें बॉडी मोशन में रहती है, तो मोशन में रह रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सलरेटेड है, जो भी, इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक, और Fk भी डिपेंड करता है n पर, और Fk इक्वल टू लिखेंगे तो हम लिखेंगे म्यू इन टू एन, लेकिन यहाँ का म्यू जो हो जाता है वो हो जाता है म्यू के, यहाँ का म्यू म्यू के। और प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकल म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, थ्योरेटिकली बराबर मान लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा अलग। जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट को आप खींचने का प्रयास करें तो वो पहले नहीं चलता, चलते चलते एक स्टेट आई कि बस चलने ही वाला है, दैट इज़ लिमिटिंग। लिमिटिंग के बाद जैसे ही बॉडी चल देती है तो रिलेटिवली हमें जो पहले फोर्स लगाया उससे कम लगाना पड़ता है, इसका मतलब कि उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्लाइटली लेस होती है। किससे लेस होती है, तो स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम तीनों फ्रिक्शंस की बात करें,
एक साथ विथ ग्राफ। अब ग्राफ की बात करते हैं, तो हमने ये देखा कि एफ एस की वैल्यू एफ एक्सटर्नल के बराबर है, यानी जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। एफ एल की वैल्यू कांस्टेंट होती है और होती है म्यू एस इंटू एन, और एफ के की वैल्यू होती है यह भी कांस्टेंट एंड होती है म्यू के इंटू एन। अब अगर बात करें तो इनके तीनों के आपस के रिलेशंस की, तो तीनों के आपस के रिलेशंस में हम देखें तो ऐसा हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक पे हमने अप्लाई किया जो एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो फोर्स, एक ब्लॉक इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हम बढ़ाते भी जाएंगे, और ये वाले ग्राफ पे फ्रिक्शन देखेंगे कि कितना लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स तीनों टाइप एक साथ। तो जब फोर्स नहीं लगाएंगे मतलब नो रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन भी जीरो, जैसे ही फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन भी लग जाएगा, फिर फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन भी, और एफ की वैल्यू एफ एक्सटर्नल के बराबर यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बराबर, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, कितने स्लोप का 10 45 यानी 45 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि इसकी वैल्यू तब बराबर होगी, और ये एक अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा ये एफ एक्सटर्नल। यहाँ पे जो ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा दिस इज कॉल्ड एफ एल। यहाँ तक तो ये एफ एस है, हर वैल्यू जो भी पॉइंट देखेंगे हम कि 1 न्यूटन 1 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 3 5 न्यूटन मैक्सिमम है, दैट मीन्स लिमिटिंग की वैल्यू हो गई 5। अब थ्योरेटिकली ग्राफ जाना चाहिए ऐसे, थ्योरेटिकली किसके बाद कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट, बट चूंकि म्यू के की वैल्यू स्लाइटली लेस होती है तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आके ऐसे जाएगा, और ये वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी एफ के की। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू आप देख रहे हैं एफ एल से कम, वो सब कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो सारी वैल्यूज़ हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, और वो हमेशा एक्सटर्नल के बराबर होगा। उसके बाद जब बॉडी बस चलने ही वाली होगी लिमिटिंग कंडीशन तो एफ एल, और जब चल देगी तो एफ के। जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आ जाए कि बॉडी इज़ प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल पे, तो इस समय इसको गिराने वाला फोर्स कौन है, एम जी साइन थीटा, बाकी एम जी कॉस थीटा तो बैलेंस हो गया। अब अगर बॉडी दिया है कि बॉडी इज़ इन रेस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉडी इज़ इन रेस्ट, इसका मतलब फ्रिक्शन इस पे जस्ट इसी के बराबर लग रहा होगा, तो यू कैन राइट एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ये अगर बॉडी रेस्ट में, अगर देते कि बॉडी अबाउट टू मूव तो उस समय हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन क्या है, म्यू एम जी कॉस थीटा, लेकिन दोनों क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगर रेस्ट में तो एम जी साइन थीटा, बॉडी इज अबाउट टू म्यू म्यू एम जी कॉस थीटा। हाँ अलग बात है, म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा, लेकिन इसको हम देखेंगे कहाँ, फ्रिक्शन एट इंक्लाइंड प्लेन पर, डिटेल में देखा जाएगा कैसे बराबर होता है, एंगल क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, हम वहाँ देखेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो अभी तक हमने देखा क्या क्या, कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, पहली बात, नॉट द मोशन। दूसरी बात कि फ्रिक्शन जो फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बोल लेते हैं, फोर्सेज बिटवीन टू सर्फेसेस जो नज़दीक नियर बाई कॉन्टैक्ट सर्फेस में आएंगे। अब कॉन्टैक्ट जरूरी है तो फोर्स कैसा हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन के तीन टाइप हैं, एक हो गया स्टैटिक, स्टैटिक की वैल्यू हमेशा एक्सटर्नल के बराबर यानी ये वेरिएबल फोर्स है, दूसरा लिमिटिंग, ये स्टैटिक की ही मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन मूवमेंट के, जब वो मूवमेंट में आ जाएगा तब की बात हो गई, ठीक है।
तो मूवमेंट में, और प्रैक्टिकली देखा गया कि म्यू के की वैल्यू जो कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, तो स्लाइटली लेस देन, तो इसलिए मैंने ग्राफ में थोड़ा सा वैल्यू कम, लेकिन हाँ ये ग्राफ है कंडीशन अप्लाइड ग्राफ ओनली अप्लीकेबल फॉर नीट एंड IIT JEE। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजेंटल सरफेस पर देखने जा रहे हैं।